एमएनएस न्यूज़ लाइन में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल में मंगलनाथम मंदिर के बारे में। मंगलनाथम मंदिर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। जो लोग मंगल दोष से पीड़ित रहते हैं वे मंगल की शांति के लिए इस मंदिर में आते हैं। मंदिर सदियों से पुराना है, जिसका पुनर्निर्माण सिंधिया राजघराने ने किया था। इसका भौगोलिक स्थिति क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में मध्य प्रदेश में है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है वे अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए मंगलनाथम मंदिर में पूजा पाठ करवाने आते हैं। वैसे तो भारत में मंगल देवता के कई मंदिर हैं, लेकिन मंगलनाथम मंदिर से बढ़कर कोई स्थान नहीं है। कर्क रेखा पर स्थित इस मंदिर को देश का नाभि स्थल माना जाता है। मंगल को भगवान शिव और पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। इस कारण इस मंदिर में मंगल की उपासना शिव के रूप में भी की जाती है। मंगलनाथम मंदिर मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन को पुराणों में मंगल की जननी कहा गया है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी पड़ता है वे अपनी अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए मंगलनाथम मंदिर के पूजा पाठ करवाने आते हैं। मान्यता है कि मंगल ग्रह की शांति के लिए दुनिया में मंगलनाथम मंदिर से बढ़कर कोई स्थान नहीं है। ये जानते एक झलक मंगलनाथम मंदिर के बारे में। वैसे तो भारत में मंगल देवता के कई मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन में इनका जन्म स्थान निर्माण होने के कारण यहाँ की पूजा को खास महत्व दिया जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर सदियों पुराना है। सिंधिया राजघराने में इनका पुनर्निर्माण करवाया गया था। उज्जैन शहर को भगवान महाकाल की नगरी कहा जाता है, इसलिए यहाँ मंगलनाथम भगवान शिव के रूप में प्रतिमा का पूजन किया जाता है। हर मंगलवार के दिन इस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। जानते हैं देव के क्या है स्वरूप। मंगल भगवान का स्थान नवग्रह में आता है। यह अंगारका और खुंज के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक पौराणिक कथाओं के अनुसार मंगल ग्रह शक्ति वीरता और साहस के परिचायक है तथा धर्म के रक्षक माने जाते हैं। मंगल देव को चार हाथ वाले त्रिशूल और गदा धारण किए दर्शाया गया है। मंगल देवता की पूजा से मंगल ग्रह से शांति प्राप्ति होती है तथा कर्ज से मुक्ति और धन लाभ प्राप्त होता है। मंगल के रत्न रूप में मृगा धारण किया जाता है। मंगल दक्षिण दिशा के संरक्षण माने जाते हैं। मंदिर में मंगलवार को दिन भर पूजा होती रहती है, यात्रा भी होती है। वैशाख मास में यात्रा भी लगती है। मंगलवार की अमावस्या को जनता यहाँ स्नान दान दर्शन करती है। इसी में निकट इंदौर के सरदार किबे साहब का एक बड़ा विशाल एवं सुंदर गंगा घाट है। यहाँ की भात पूजा भी बड़ा महत्व रखती है। इस स्थान में क्षिप्रा नदी के निर्मल जल और प्रकृति के मोहक दृश्य का एहसास सुंदर मादक चित्र और नेत्र के सामने उपस्थित होता है कि एक क्षण के लिए अशांत चित्त भी शांत और प्रफुल्लित हो जाता है। तो देखिए एक झलक। हम लोग इस वक्त मौजूद है उज्जैन के मंगल ग्रह का जहाँ जन्म स्थान है उसी जगह पहुँचे हैं। यहाँ हम अभी इस मंगलनाथ के ग्रह के जन्म के बारे में और इस मंदिर के पौराणिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस मंदिर के महंत है जितेंद्र भारती जी, जिनसे अभी हम पंडित जी से चर्चा करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले हमें बताइए कि यह जो मंदिर है यहाँ भक्त लोग किस हेतु से और किस कारण आते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त दर्शकों को मंगलनाथ महादेव की ओर से सब लोगों को पूर्ण आशीर्वाद। भगवान सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे। ये नवग्रह में मंगल ग्रह का ये जन्म स्थान है। जिसकी जन्म पत्रिका या लग्न पत्रिका में मंगल या मांगलिक दोष होता है, जिसकी पत्रिका में पहला, चौथा, सातवां, आठवां या बारहवें भाव में अगर मंगल होता है वह पत्रिका मांगलिक हो जाती, एक प्रकार का दोष कहलाता है। उस दोष के निवारण के लिए यहाँ पे दध्योदन दही भात के पूजन का विधान है। चावल के अंदर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत मिला के भगवान का लेपन करते हैं, उससे मंगल दोष का निवारण होता है। मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं, कर्क रेखा पर विराजमान है और ये संपूर्ण ब्रह्मांड का सेंटर पॉइंट कहलाया जाता है, ये नाभि स्थल कहलाता है और मेष राशि और वृश्चिक राशि से संबंधित रखते हैं भगवान।
अच्छा, और हम लोग अभी जानने का प्रयास करेंगे कि मंगल ग्रह का जन्म कब हुआ था और इस मंदिर के पौराणिक कथा के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि जन्म का कौन सी सदी में हुआ होगा? ये तो अनादि काल, जब ग्रहों की उत्पत्ति होती है तभी का स्थान है ये। ये आज का नहीं, अनादि काल का स्थान है ये। कुछ काफ़ी टीले के ऊपर, काफ़ी ऊंचाई के ऊपर भगवान का जो विराजमान है यहाँ पे। एक स्कंद का पुराण के अनुसार अंधकासुर नामक राक्षस से भगवान का दोनों का जो है संघर्ष होता है, युद्ध होता है, और भगवान लड़ते लड़ते थक जाते हैं महादेव जी, तो उनके मस्तक से पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरती है, तो पृथ्वी दो भागों में विभाजित होती है। एक अंगारक रूपी बालक मंगल का जन्म होता है जो अंगारक रूपी है। ऋग्वेद में एक मंत्र कहा गया कि धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यम। धरती के गर्भ से, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति, विद्युत के समान जिनका तेज है, विद्युत कांति समप्रभम कुमारम, ये कुमार है भगवान महामंगल की आयु ब्रह्मा जी द्वारा निर्धारित 18 वर्ष की आयु इनकी निर्धारित है, कुमारम है ये। और मंगल बोलते हैं इसको, भगवान शिव ने इनका नाम रखा है मंगल, मंगलम प्रणमाम्यम। जैसे ही त्रिशूल लगता है उस राक्षस को, अंधकासुर नामक राक्षस, उसको त्रिशूल लगता है, जैसे ही रक्त बहता है तो रक्त जमीन को ना स्पर्श करते हुए ऊपर के ऊपर ही स्वाहा हो जाता है। इस प्रकार राक्षस का सर्वनाश होता है और मंगल ग्रह की उत्पत्ति होती है। यह मंदिर का स्थापना किसने की है और कब हुई है, कौन से वर्ष हुई है? एक्चुअली में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो स्थान है ये अनादि काल का है, जब ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी तब का है। बाकी वर्तमान समय के अंदर जो आप भगवान के आसपास का जो क्षेत्र देख रहे हैं, जो स्वरूप देख रहे हैं, ये 2016 सिंहवर्ष के अंदर इस मंदिर का नव निर्माण किया है। इसके पूर्व का स्थान भी है, इसके पूर्व का तो ये निर्माण और विध्वंस चलता रहता है। बट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे जो भगवान का जो स्थल है, जो जन्म स्थान है, जो भगवान का मूर्ति, भगवान शिव के रूप में विराजमान भगवान मंगलनाथ महादेव है, वो आज भी यथावत वही स्थिति वर्तमान के अंदर वैसे के वैसी है। तो ये पुरातन वैधावत बना हुआ है और इसकी स्थापना वगैरह जो है वो ये हुई है। अब हम जानेंगे कि इस जगह जैसे मंगल ग्रह का दोष जिनको होता है उनके तो किस तरीके से ग्रह की शांति की जाती है, लेकिन और बाकी राशि वाले कैसे इसके कुछ उपाय करते हैं, या मेष राशि वाले ने क्या करना चाहिए या वृश्चिक राशि वालों ने क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि भगवान मंगलनाथ महादेव मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। भगवान महामंगल को ग्रहों में इनको तीसरा स्थान दिया गया है, इसलिए ग्रहों के सेनापति कहलाते हैं। वर्तमान में अपन अगर सेनापति की परिभाषा के रूप में वर्तमान में अगर अपन देखते हैं तो जस्ट लाइक ए DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाता है, जिसको पूरे पावर, पूरे अधिकार रहते हैं। ग्रहों में तीसरा स्थान होने के कारण इनके 21 नाम हैं, जो एक यंत्र है, उस यंत्र के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, उसमें 21 नाम है। ओम मंगलाय नमः, भूमिपुत्राय नमः, इस प्रकार से। वो नाम नहीं है, वो एक्चुअली में इनके पास में विभाग हैं। इन विभागों के अंदर, इन नामों में अगर आम जन को या दर्शनार्थियों को या जिनको कष्ट है, इस प्रकार का आम जन को और कोई कष्ट होता तो इस प्रकार के दद्योधन पूजन का यहाँ पे विधान है। धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को भी दी है, और ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए MNS न्यूज लाइव के साथ। तो आज के इतिहास में इतना ही, तो तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज लाइव। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए।